खौस पाक को मुजद्दिद नहीं मुही मुहीद्दीन बनाकर तजदीद करने वाले हर सदी में आएंगे। अब मुहीद्दीन कयामत तक कोई नहीं आएगा, बल्कि गौस पाक खुद फरमाते हैं कि जब मैं चला एक दिन मैं रास्ते में था, मैंने देखा कि एक लागर सा कमजोर सा इंसान पड़ा हुआ है और वो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। हम गौस पाक को मदद के लिए पुकारे तो लोग कहते हैं शिर्क है, हम कहते हैं कि हम नहीं पुकारते, सिर्फ दीन भी जिसको मदद के लिए पुकारे उसे अब्दुल कादिर जिलानी। अच्छा मैं दीन की बात कर रहा हूँ, इस्लाम और ईमान की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग साहिब मिश्कात जो वो साहिब अशातुल लमहात शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया, इस्लाम कहते हैं आमाल को और ईमान कहते हैं एतिकादियात को, ये दोनों अलग अलग इस्तिलाहात हैं, लेकिन जब दीन कहा जाता है तो उसमें इस्लाम और ईमान दोनों सिमट आते हैं। हाँ गौस पाक सिर्फ मुजद्दिदे ईमानियात नहीं या मुजद्दिदे इस्लामियात नहीं, जो मुजद्दिदीन है उनकी भी बड़ी शान है, लेकिन गौस पाक मुहीउद्दीन है, मुहीउद्दीन दीन कहता है मेरी मदद करो मेरी मदद करो, और वो दीन किस शक्ल में था, रास्ते में किनारे इंसान की शक्ल में लागर पड़ा हुआ था, कहा कि जब उसने मुझे मदद के लिए पुकारा तो मैं उसकी मदद के लिए गया, मैंने उसका हाथ पकड़ा और जब हाथ पकड़ा तो मैंने देखा कि जैसे उसका हाथ मेरे हाथ में आया वो धीरे धीरे उठ के खड़ा हो गया और वो लागर से तंदुरुस्त तवाना इंसान बन गया, और उसने कहा अब्दुल कादिर मुझे पहचाना कौन हूं, तो मैंने कहा कौन हो, कहा तुम्हारे नाना का दीन था, मरने के करीब था, आपने सहारा दिया, अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी अता कर, फरमाया आप मुहीउद्दीन है मुहीउद्दीन दीन को जिंदा। लोग कहते हैं गौस पाक मुर्दे कैसे जिंदा कर सकते हैं, हम कहते हैं जो दीन जिंदा कर सकता है उसके लिए मुर्दा जिंदा करना कौन सी बड़ी बात, जिसको जिसने दीन जिंदा किया दीन जिंदा करना बड़ी बात है, मुर्दा जिंदा करना छोटी बात है, तो जो मुर्दा जिंदा करे क्या बड़ी बात है उनके, उन्होंने तो बचपन में मुर्दे जिंदा किए। तो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते फिर मैं चला, मैं मस्जिद आया, जुमा का दिन था, नमाज के लिए नमाज हुई तो एक शख्स ने अपने जूते मुझे पहनाए और कहा लो मुहीउद्दीन ये जूते पहन लो। वो कभी कभी अलकाबात इंसान अपने लिए खुद तराशता है, मेरा ये लकब होना चाहिए, मेरा ये लकब होना चाहिए, इंसान जब खुद लकब पाए ना तो हालात उसको भुला देते, लेकिन जब कुदरत किसी को लकब देती है फिर सदियां बीत जाती है तो फिर अलकाब भी जिंदा रहते। ये लकब किसी इंसान का दिया हुआ नहीं, मुहीउद्दीन अल्लाह का दिया हुआ। फरमाते हैं कि मुझे जूते पहनाने लगा वो शख्स और उसने कहा लो मुहीउद्दीन जूते पहनो, हालांकि इससे पहले मुझे इस लकब से कभी किसी ने पुकारा नहीं था। फरमाया मैंने अभी जूते पहने थे कि मस्जिद के सब लोग मेरी तरफ दौड़ने लगे, कहा मुहीउद्दीन मुबारक हो, मुहीउद्दीन मुबारक हो, मुहीउद्दीन मुबारक हो, यानी फिर सब लोग इस लकब से आपको पुकारने लगे। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर पीरे रोशन जमीर रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदा अगर मुसीबत में मुझे पुकारे वल्लाह मैं उसकी इमदाद को पहुंचूं, मेरा मुरीद मशरिक में हो मैं मगरिब में हूँ वो मुझे मदद के लिए तलब करे मैं उसकी मदद करूँ। फरमाया मेरे मुरीद का अगर सतर खुल जाए और वो मुझे पुकारे तो मैं उसकी सतर पोशी भी करता हूँ। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर फरमाते हैं मेरे मुरीदों पर मेरा साया ऐसे है जैसे आसमान का साया जमीन पर होता है, और इरशाद फरमाते हैं हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर मैंने अपने अल्लाह से वादा लिया है, एक नहीं 70 मरतबा वादा लिया है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे मुरीद को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक कि मेरा मुरीद तौबा न कर ले, मेरा हर मुरीद तौबा करके दुनिया से जाएगा और उसका ईमान पर खात्मा होगा। और गौस पाक फरमाते हैं मैंने मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि मेरे मुरीद का जब हिसाब होगा तो मेरा अल्लाह मुझे मेरे मुरीद के पास खड़े रहने की इजाजत अता फरमाएगा, यानी मेरे मुरीदों का हिसाब जो है वो मेरी मौजूदगी में होगा। गौस पाक फरमाते हैं उस अल्लाह की कसम जो वादहु ला शरीक है मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक अपने मुरीदों को अपने साथ न ले लूं।
आजम पीरान पीर दस्तगीर की बात है। आइए इन बुजुर्गों से अपनी निस्बतों को जोड़ें, निस्बतों को उस्तवार करें, इसलिए कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान कहता है कि जितने तुम्हारे दोस्त हैं वो सब दुश्मन हो जाएंगे लेकिन मुत्तकी लोग तुम्हारे काम आएंगे। और हदीस पाक में आता है कि अगर तुमने किसी से दिल से मोहब्बत की, अगरचे उसके और तुम्हारे जमाने में हजार साल का फासला हो, अगरचे उसकी और तुम्हारी जमीन के अंदर लंबा फासला हो, तो कयामत के दिन अल्लाह उनसे तुमको मिला देगा और फरमाएगा जो तुम अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे तो लो मिल जाओ, ये अल्लाह के लिए मोहब्बत करने का इनाम है। तो यहां गौस पाक से जो मोहब्बत करते हो इंशाअल्लाह कयामत के दिन उनकी माइयत और उनका साथ नसीब होगा, क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस है अल मरअ मा मन अहब्बा औ कमा काल की, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। तो इसलिए मोहब्बतों के चिराग अपने दिलों में रोशन करो, अपने बच्चों के दिलों में उनकी मोहब्बतों के चिराग रोशन करो। अब गौस पाक क्या है, गरीब नवाज क्या है, बंदा नवाज क्या है, पीर इस्माइल कादरी क्या है, और जो है अल्लाह अकबर हमारे बुजुर्गान दिन महबूब इलाही क्या है, बख्तियार काकी क्या है, बाबा फरीद क्या है, निजामुद्दीन औलिया क्या है, साबिर पाक क्या है, अहमद कबीर रफाई क्या है, जुनैद बगदादी क्या है, ये सब बुजुर्गों की मारफत अपने बच्चों को अता करो। इसलिए कि अगर हम इन लोगों के नाम के सहारे जीते हैं मुसीबतों से और बलाओं से महफूज रहेंगे। बस अपनी गुफ्तगू के अख्तिताम पर आखिरी बात कहते हुए गुफ्तगू समेट लूं कि इन नामों की बरकतें क्या है, सिर्फ इतना समझ लो, हम ये जो नाम लेते हैं ना, नादान नहीं है, बेवकूफ नहीं है, इन नामों में अल्लाह ने तासीर पैदा की, असर पैदा किया है। रिवायतों में आता है, सूफिया लिखते हैं कि जिस वक्त कारून ने इल्जाम लगाया मूसा अलैहिस्सलाम पर जिना का, छोटा इल्जाम था, नबी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा, उस जुर्म में अल्लाह ने उसको जमीन में धंसा दिया। किस जुर्म में? नबी पर इल्जाम लगाने के जुर्म, जमीन में अल्लाह ने उसको धंसा दिया। जब वो जमीन में धंस रहा था, धंसते धंसते वो चौथी जमीन के तबक में पहुंचा, एक फरिश्ते ने देखा और पूछा तुम कौन हो, तुम कौन हो? कारून था वो। अब वो अपना क्या तारुफ कराता कि मैं कारून हूं, कौन कारून? तो इसलिए कि जिस इलाके में जहां की चलती है तारुफ वहां से होता है, ठीक है ना, ऐसे ही है ना, तारुफ कहां से होता है? जिसे लोग पहचानते हो। मिसाल के तौर पे अगर लोग मुझसे पूछे कहां से आए हो, सऊदी में पूछे, मैं कहूं मालेगांव,